हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। वैसे तो इस दुनिया में अनेकों देश हैं जो कुछ ना कुछ बजाओ से जाने जाते हैं, लेकिन जब बात भारत की होती है तो उसमें खूबसूरती और संस्कृति अपने आप जुड़ जाती है। आज हम भारत के जिस राज्य की बात कर रहे हैं उस राज्य को भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है। इसी राज्य में आपको रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे ज़्यादा आबादी देखने को मिलेगी। यह वह राज्य है जिसे भारत का दिल कहा जाता है। यह भारत का वह राज्य है जहां आदिवासियों की आबादी 50% से भी ज़्यादा है। साथ ही इसी राज्य के आधार पर प्रसिद्ध बुक द जंगल बुक लिखी गई और इस पर फिल्म भी बनाई गई है। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की, तो फिर देर किस बात की। आप लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं मध्य प्रदेश के खूबसूरत सफ़र पर। मध्य प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। सांस्कृतिक रूप से मध्य प्रदेश की पूरे देश में एक अलग ही पहचान है। मध्य का मतलब होता है बीच में। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देश के बीच में होने की वजह से इसे मध्य प्रदेश नाम दिया गया, जो कभी मध्य भारत कहलाता था। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ नेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य लोगों के दिलों में बसता है। भारत की संस्कृति और विरासत को समेटे मध्य प्रदेश की तुलना किसी भी राज्य से करना शायद गलत हो। दोस्तों, मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। फिलहाल मध्य प्रदेश एरिया के हिसाब से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है और पश्चिम में गुजरात तथा दक्षिण में महाराष्ट्र है। आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करती थी और 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बना दी गई। दोस्तों, भारत के सबसे महान राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश को चौहान मराठा का गढ़ कहा जाता है। कई सालों से इस राज्य ने में मुगलों तथा अफगानों ने शासन किया, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में मराठा संस्कृति बरकरार है, क्योंकि पेशवे बाजीराव का मध्य प्रदेश में लंबे समय तक शासन रहा है। इसी कारण मध्य प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी भाग में मराठी संस्कृति देखी जाती है। मध्य प्रदेश के इतिहास से लेकर अभी तक कई बदलाव देखे गए हैं। पहले मध्य प्रदेश को गरीब प्रदेशों में गिना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यापार में काफ़ी तरक्की कर ली है। पहले मध्य प्रदेश में बिजली की बड़ी समस्या थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के 80 से भी अधिक व्यापारी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली रहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 61 जिले हैं और इंदौर उस राज्य का सबसे बड़ा जिला है। साल 2015 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 7,80,00,000 के आसपास है। आबादी के लिहाज से मध्य प्रदेश भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य अपने कल्चर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अनोखी शिल्प और मूर्तिकला से सजे मंदिरों को देखने यहाँ हर साल करोड़ों लोग आते हैं। मध्य प्रदेश में कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो भारत के सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाती हैं, जिनमें से एक यहाँ की गुफा दरअसल मध्य प्रदेश में भीमबेटका की 600 गुफाएं का संग्रह है और ऐसे भारत की सबसे पुरानी गुफाओं का संग्रह माना जाता है। यह गुफाएं अद्भुत शिल्पकला और नक्काशी के लिए टूरिस्ट के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। यह आपको जानकर हैरानी होगी, यह कुछ रॉक शेल्टर 10,000 साल से भी पुराने हैं। भीमबेटका शायद भारत का उपमहाद्वीपों में सबसे पुराना चट्टान मौजूद है, जो 30,000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है। ये गुफाएँ भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं। उड़ीसा की तरह ही मध्य प्रदेश को किसी एक भाषा संस्कृति के रूप में नहीं पहचाना जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को भारत में आदिवासियों की सबसे बड़ी ताकत वाला राज्य माना जाता है। इस राज्य में आपको सबसे ज़्यादा आदिवासी की आबादी देखने को मिलेगी। ये आदिवासी अलग तरह का कल्चर में रहना पसंद करते हैं। राज्य में आदिवासियों की इतनी ज़्यादा संख्या होने के कारण इस राज्य में कई त्यौहार देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के करीब नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बैक वाटर में हनुमंत नामक एक द्वीप स्थित है। हर साल हनुमंतियों में एकमात्र त्यौहार और सबसे बड़ा त्यौहार वाराणसी की जल महोत्सव आयोजित किया जाता है।
दोस्तों आज भारत के कई राज्यों में आयोजित किया जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर एक और खास बात यह है कि यह राज्य कई नामचीन चेहरों का घर भी है, यानी कि कई बड़ी हस्तियां इसी राज्य से जन्मी हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, किशोर कुमार, लता मंगेशकर जैसे गायक, अभिनेता अर्जुन रामपाल, अभिनेत्री जया बच्चन, मंसूर अली खान पटौती जैसे कई कलाकारों का जन्म स्थान रहा है। मध्य प्रदेश नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की सबसे प्रमुख और भारत की पांच सबसे बड़ी नदी में से एक है। यह इस नदी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत की सभी नदियों की विपरीत दिशा में बहती है यह नदी। नर्मदा के किनारे पर तिलवारा घाट, लम्हेता घाट रोजाना हजारों की संख्या में लोग नदी से पत्थर तलाशने आते हैं। लोगों को और शास्त्रों का मानना है कि यह पत्थर भी कोई साधारण पत्थर नहीं, शास्त्रों के अनुसार इन पत्थरों में भगवान शिव का अंश है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भारत के कुछ सबसे लोकप्रिय मंदिरों का घर है। उज्जैन उन चार स्थानों में से एक है जहाँ कुंभ मेला की मेजबानी की जाती है। इसके साथ ही इस राज्य का एक तिहाई हिस्सा पानी और जंगलों से घिरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश चंबल रिवर और गोदावरी रिवर के बीच में है। बनारसी पान के बाद अगर कोई पान फेमस है तो वह मध्य प्रदेश के भोपाल का पान है। दरअसल यह कुछ समय से काफ़ी पॉपुलर हुआ फायर पान मिलता है। पान वाला पान में आग लगा खाने वाले के मुंह में डाल देता है। इस पान को खाने भारत के कोने कोने से सैलानी आते हैं। इस पान के चर्चे विदेशों तक हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को भारत का नगीना कहा जाता है। राज्य के उत्तर में बसा ग्वालियर शहर बहुत ही प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी में स्थापित ग्वालियर कई राजाओं की राजधानी रहा है। राजाओं के द्वारा बनाई गई कई किले और महल आज भी ग्वालियर में मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे महंगा महलों में से एक सिंधिया राजघराने का महल भी ग्वालियर में स्थित है। और मध्य प्रदेश में खाना भी सभी से अच्छा मिलता है। मध्य प्रदेश के लोगों की सुबह पोहा के साथ होती है, तो वहीं दिन भर में अलग अलग तरीके का खाना खाने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह था मध्य प्रदेश। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।